हेलो दोस्तों, अपने चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब की बार एसएससी ने एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में कुछ बदलाव किए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे हैं। मैं इस वीडियो में स्टूडेंट्स के सारे डाउट और इस डिस्क्रिप्टिव पेपर की कट ऑफ को क्लियर करूंगी। पहला सवाल आता है कि वर्ड लिमिट क्या रहेगी। दूसरा सवाल यह है कि मैंने क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन को नहीं लिखा। तीसरा सवाल यह है कि फॉर्मेट गलत लिख दिया, लेटर की शुरुआत गलत कर दी इत्यादि। एक और सवाल आता है कि मैंने अपना नाम और एड्रेस लिख दिया तो मेरी कॉपी चेक होगी कि नहीं। अंतिम सवाल कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं इन सवालों के जवाब की तरफ। मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपने लेटर की वर्ड लिमिट 140 टू 180 तक लिखी है तो यह एक आइडियल और मानक लेटर होगा, क्योंकि अब की बार वर्ड लिमिट कोई फिक्स नहीं है। निबंध भी 250 टू 300 वर्ड तक एक स्टैंडर्ड रहेगा, लेकिन मोस्ट थिंग यह रहेगी कि आपका कंटेंट इन वर्ड्स में पुनर्तः विषय को समझा पाता है या नहीं। 50 में से 40 नंबर तो आपके कंटेंट के रहेंगे, बाकी फॉर्मेट और लेखन शैली के। यदि आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके कंटेंट को देखकर बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कौन से विषय पर लिख रहे हो। यदि आपने लेटर का फॉर्मेट और व्याकरण गलत लिख दी है तो आपके नंबर बकायदा कट होंगे, लेकिन यह सब 10 नंबर में से ही होंगे। यदि आपने कहीं भी मुख्य तौर पर अपना एड्रेस और नाम लिख दिया है तो यह एसएससी के नियम के विरुद्ध होगा, और यह एग्जामिनर पर निर्भर करता है कि वह आपकी कॉपी जांचे या नहीं। लेकिन इसमें यह भी है कि यदि आपने अपना पूरा एड्रेस नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मूव करते हैं कट ऑफ की तरफ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस पेपर में बहुत से स्टूडेंट्स ने गलतियाँ की है। बहुत से विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया, पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया और पेपर क्वालिफाई है, तो इस हिसाब से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 38 टू 40, ओबीसी का 33 टू 36, एससी और एसटी का 30 टू 32 के लगभग जाएगा। यदि आपके दिमाग में और भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका 100% जवाब दूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक तथा इससे जुड़े और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।